जे अमृत बना ले कुछ बीमारी नहीं लागे ला, बीमारी सब दूर हो जाए ला, और जो बीज में जो छोटका छोटका कीटाणु रहती ला ना दीदी से मर जाती ला, और उकर से हिनकर लगाए से पौधा बढ़िया हो ला। बीजे अमृत बना ले दीदी ई सामान लगे ला। पहले एगो बाल्टीन लेब दीदी, उकर ने 20 लीटर पानी रखब, 5 किलो गोबर, 5 लीटर गरुकर मूतल, 1 किलो दिया माटी, और 50 ग्राम चूना ले है। एगो सूती कपड़ा रहता और एगो डांटा रहता दीदी, एक ठो छाने वाला चलनी लेना है। गोबर के दीदी लेके और सूती कपड़ा में इके बांधे खोल ऐसा करके बांध के, 5 किलो गोबर के पोटली बांध के बाल्टी में पानी में डुबा दिलिए। पोटली के डुबा देवे 12 घंटा और बिहान निकला के और इके चिपेट के निकला देवे के, गोबर का रस रहता से हिया रह जाते पानी में। कल जे गोबर कर पोटली डुबा ही के आज निकला सकेला तुम? हाँ दीदी, के चिपट के निकला दिए ला। बाद हम लेकर ने 5 लीटर गौ क्रमूतल डाला थी, इकर में यते दिया वाला माटी डाली दीदी, इकर ने एक अंजरा और इकर ने पोषक बढ़िया रहेला, और हाँ पोषक तत्व तो बढ़िया रहेला, और फिर ये दिया कर है करने कुछ अथी खाद उद नहीं डाल रहेला, सेले दीमक मिट्टी डालिए हम दिया कर माटी के और के मिलाइए ला, और एक बार डंटा से ऐसा करके हिलाई खे कर दीदी सर। अभी के छानब छाने 50 ग्राम चूना मिलाब। बीजा अमृत करके दिखाई देते थोड़ा सा, गेहूं धान बादाम सेम्बी पालक मकई और बोदी राहर आलू, और पौधा में बिलाती मरचाई फूलगोभी और बैंगन। कोई भी के हम बीज का उपचार करिए ला, कोई भी बीज में अमृत बीजा डाल के और पौधा के आधा घंटा कर जड़ के डुबा के रखिए ला, उकर बाद हम रोपिए अथी पौधा के। बीजा अमृत दे के हल्का हल्का ऐसा मिलाइए ला, गेहूं के मिला थी एखन छिड़क के, उकर बाद धान में धान के भी इसी तरह करबे नहीं दीदी, इसने करबे धानों के, धान रोपे ना धान के ऐसा छिड़क के ऐसा करके मिला के, और के 2 घंटा इकर छाई में मतलब छाई में इके ऐसा करके पसराय के, और सूत्री वाला बोरा होना चाहिए, ऐसा करके पसराय के और सुखाब, उकर बाद इके लगाब। इकर ने कुछ पैसा वैसा नहीं लगेला, घर कर ही सामान से बन जाए सब चीज, से ले तो के बनाए कर अथी कर भी, और तोर समूह में तोर अगल बगल तोर गांव में सबके बताया भी कि बीजा अमृत कैसन बनाए ना, और कौन में का फायदा हो से सबके बता भी। जोहार दीदी। जोहार।